हर हर महादेव। दर्शकों जय महाकाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, आपके बच्चे का भविष्य संवर जाए, उनकी उन्नति हो, तो आपको गणेश चौथ के दिन एक उपाय करना है। गणेश चौथ के दिन जो उपाय आप करेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इन उपायों से आपके बच्चे की ज़रूर तरक्की होगी, उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये उपाय है कि पहले तो सबसे पहले आप याद ध्यान रखिए, जब गणेश चौथ हो और बृहस्पतिवार का दिन है तो और भी अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि आपको गणेश चौथ के दिन एक जो दीपक है वो शंकर जी के मंदिर में आपको जलाना है, एक केले के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है और एक पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक ज़रूर जलाएं। ध्यान से आप कुछ अगर नहीं कर पा रहे तो ये दीपक का जो उपाय है आप ज़रूर किया कीजिए बृहस्पतिवार के दिन और गणेश चौथ के दिन। आपको दीपक का केले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आपको शिव जी के जो मंदिर है वहाँ आपको दीपक जलाना है। दूसरा उपाय है, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए, बच्चा आपका एग्ज़ाम देने जा रहा है या पति आपके कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, जो भी आपका बच्चा कोई काम करने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप गणेश चौथ का व्रत रह रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तब भी आप विधि विधान से पूजा कीजिए शाम के समय। और जब गणेश भगवान की पूजा करें तो चावल या गेहूँ जो भी आप रखते हैं पूजा में, और सामग्री भी रखते हैं लेकिन चावल और गेहूँ रखा जाता है, तो जब पूजा अर्चना कर लीजिए उसके बाद उनमें से गेहूँ या चावल आपने जो भी रखा है उन्हें उठाकर रख लीजिए। फिर जब आपका बच्चा कोई परीक्षा देने जा रहा है या कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी देने जा रहा है जिससे उसकी तरक्की संभव है, तो आपको वो जो गेहूँ या चावल है वो आपको अपने बच्चे के पर्स में रख देने हैं और या फिर आप उसकी पॉकेट में डाल दीजिए। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है उसके लिए भी एक उपाय, जिस स्थान पर आपका बच्चा पढ़ता है तो आप गणेश चौथ के दिन आपको क्या करना है कि आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन आपको लेना है और उस लाल चंदन से आपको महादेव के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। ध्यान रखिए, आपको महादेव के शिवलिंग पर, उसे आप घोल लीजिए थोड़ा, और महादेव के शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है और उसी त्रिपुंड, उसी जो आपने हाथ किए हैं उसी, आप पास में जो बेल वृक्ष का पेड़ हो उस बेल वृक्ष के पेड़ पर भी आपको उसी चंदन से त्रिपुंड बना देना है लाल चंदन से। फिर आपको घर आना है, वहाँ जहाँ आपका बच्चा पढ़ाई करता हो, जिस स्थान पर पढ़ाई करता हो, सामने दीवार पर आपको तीन बिंदियाँ, मतलब उसी चंदन से आपको तीन बिंदियाँ आपको लगा देनी है उसी दीवार पर, जहाँ आपका बच्चा बैठकर पढ़ता है उसके सामने आपको दीवार पर तीन बिंदियाँ लगा देना है जब बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है। ये उपाय भी आप गणेश चौथ के दिन ज़रूर कीजिए। इस उपाय से आपके बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उसे सफलता मिलेगी सभी कामों में। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप गणेश चौथ के दिन कीजिए, देखिएगा आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।